दुर्ग पुलिस एवं नारकोटिक्स सेल की संयुक्त कार्रवाई में अंतरराज्यीय गिरोह के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के पास से लगभग 5 लाख रुपए कीमत का ड्रग बरामद किया गया है। दुर्ग सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत शिवपारा तालाब किनारे अंधेरी रात में स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर ब्राउन शुगर बेचने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि 3 आरोपियों में से एक आरोपी मोहम्मद वाहिद नागपुर महाराष्ट्र का है, वहीं 2 आरोपी पृथ्वी सिंह उर्फ सोनू सरदार और प्रिंस गौतम महार दुर्ग के बताए गए हैं। तीनों आरोपियों के पास से लगभग 27 ग्राम ब्राउन शुगर जो कि 265 पुड़िया रूप में बरामद की गई है, वहीं इसकी कीमत लगभग 5 लाख रुपए बताई जा रही है। पूछताछ में मुख्य आरोपी मोहम्मद वाहिद ने बताया कि वो ब्राउन शुगर नागपुर महाराष्ट्र से लेकर आया करता था, जिससे सोनू सरदार और गौतम महार के साथ मिलकर बेचा भी करता था। यहां हम आपको बता दें कि उरला निवासी सोनू सरदार के खिलाफ शराब तस्करी को लेकर पहले भी कई मामले मोहन नगर थाने में दर्ज है। मामले की जानकारी प्रेस वार्ता के दौरान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बीएन मीना ने कुछ इस प्रकार से दी। कोतवाली पुलिस और दुर्ग के नारकोटिक सेल के द्वारा एक कार्रवाई करते हुए लगभग 265 पुड़िया ब्राउन शुगर की जब्त की गई है और इस मामले में 3 आरोपी पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं। एक मोहम्मद वाहिद, पृथ्वी सिंह उर्फ सोनू सरदार, तीसरा प्रिंस उर्फ गौतम महार, जिसमें मोहम्मद वाहिद नागपुर का रहने वाला है और नागपुर में रह के ये ड्रग्स को सप्लाई करने का यहाँ पे काम करता है। अभी मामले में पूछताछ की जा रही है और ये कोशिश की जा रही है कि इनका जो चैन है उसको पता करें और उसको जो बाकी भी आरोपी हैं उसको गिरफ्तार करें। जो इस वाले मामले में नागपुर से जो आरोपी पकड़ा गया वो काफ़ी इस मामले में एक बड़ी चैन है। हमें उम्मीद है कि इसके बाद में भी और बड़े आरोपी हम सफल हों। कैसे टीम पहुंची, कैसे क्या? ये कोतवाली पुलिस को ये सूचना मिली थी और CSP कोतवाली के द्वारा इसमें इसका नेतृत्व किया गया पूरी योजना का और उसमें नारकोटिक सेल ने मिलकर इन तीनों को गिरफ्तार किया। फिलहाल तीनों आरोपियों के खिलाफ NDPS एक्ट तहत कार्रवाई कर पूछताछ की जा रही है। ग्रैंड ACN न्यूज़ के लिए गौरव तिवारी के साथ रॉबिन मल ठाकुर की रिपोर्ट।